केडीए डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन और केडीए ऑफिसर क्लब के सदर अब्दुल मतीन शेख की जानिब से अमरीका में मौजूद डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी तारिक अली खान और दीगर मेम्बरान के एजाज में एक इशाइये का एहतमाम किया गया। इस मौके पर तकरीब में मौजूद मेम्बरान का कहना था कि मुझे जो 40 साल पहले यानी कॉलेज से ही जितने बैठे थे वो कॉलेज के आएंगे और इस समय से ये लोग मुझे मिले और ये हमेशा मिलते रहे हैं। हम कहीं भी बैठ चाहे अमेरिका में ये हमारे तारिक भाई हमारे ये यूएसए में अपना अमीर भाई भी यूएसए में सुने तारिक भाई हम लोग यहाँ के ही समझे तजुर भाई भी यहाँ के सीनियर सिटी में हमारे हैं समझे हमें सीनियर सभी हैं तो जो जब भी मुझे मिलते हैं तो चाहिए मुझे जो मुझे होती है हम लोग हैं वो है कि हमें कोई लेना देना नहीं है वो मिलना है मोहब्बत इस्लाम को शुरू करना है इसमें हमें मजा आ रहा है। वो ये पहले ही महफिलें लगती थी मजे लेने के लिए बाकायदा समझे हाँ तो ये लगती थी वो अपनी सुना रहा है ये अपने सुना रहा है अपने सुना रहा है समझे एक एक घंटे बैठे अपने अपने घर भी सुना रहे हैं जो दोस्त में वो तो ये वो महफिल थी आज की समझे और ये मेरे भाइयों ने मतलब कबूल कर ली बड़ी बात है समझे इसलिए कि ये वहाँ से सबसे सब कहाँ से आए या अंचोली से भी आ रहा है कोई क्या है वो मिलता है जहाँ से आए कोई यहाँ से आ रहा है मैंने कहा यार देखो मैं करीब में तो मैं तकलीफ हुआ मैं यहाँ पर आ मैं अंचोली नहीं जा सकता वहाँ पर इसका मेरे में दम नहीं तो अलहमदिल्ला इन सब भाइयों को मैं सलाम पेश करता हूँ। बात यह है कि ये जो ये हमारी जो मतलब आपस की जो दोस्ती है ये बिगड़ दामों की दोस्ती है समझे इसमें कोई दाम नहीं है समझे और ये कोई गर्द नहीं है गर्द भी नहीं है समझे तो ये दोस्ती जो पहले पहले चल रही आई तो चल रही है अब अगर नए दोस्त आप बनाना चाहोगे ना तो वो मफाद देखता है अपना वो देखता है इससे मुझे कितना फायदा इसके बाद जाऊँ तो इससे कितना फायदा तो वो चीज़ हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं तो ना अभी है जब तक हम लोग जिंदा है ना इंशाल्लाह ये रहेगी सब चीज़ अभी कभी केडी में आया था यकीन करें जो होते हैं मुंतब होना मौजूद है तुम्हें क्या तकलीफ है तो ये माहौल नहीं मिलेगा आपको ये माहौल उन्हीं लोगों के साथ मिलेगा जो कि 40 साल पुराने दोस्त थे समझे इखलास उनमें था उनके अंदर मोहब्बत थी समझे और दूसरा ये जो क्लब की बात कर रहे हैं क्लब के अंदर तो क्लब के अंदर ऐसा है कि हमारे दिल सोते हैं बल्कि सबसे दिल सोते हैं क्लब कब तक आवाज कर लेंगे अभी तो अब तो आपके हाथ में है सर मोहम्मद इशा साहब ने अभी ये एक नाम है ये उठाई है जिम्मेदारी और अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे हम उनके साथ हैं हर लिहाज के साथ हैं मैं तन मन धन के साथ साथ हूँ मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मन के साथ मैं धन और तन के साथ भी हूँ समझे और जब तक मेरे अंदर सांस है मैं केडीए के अंदर जो गुस्से है होती हैं जो होती रहेंगी इंशाल्लाह आखिरी सांस का मैं केडीए के अंदर करूँगा चाहे वो क्लब के हवाले से हो चाहे मुलाजमीन के उनकी फला बहबूद के हवाले से हो चाहे उनको क्या नाम है फायदे पहुँचाने के हवाले से हो इंशाल्लाह जब तक सांस है समझे मैं अपने घर में ये टीम का नहीं देखता समझे मैं सिर्फ जानता हूँ केडी में क्या हो रहा है केडी में लोग किसकी तकलीफ है कभी पेंशन में कभी क्या नाम है रफा में इसने मारा मारा दो लोग तो अल्लाह मुझे टॉफिक दे समझो इन भाइयों को मेरे साथ अल्लाह टाइम टाइम रखे मसीम भाई जो है हमारे कॉलेज के साथी हैं केडी के साथी हैं और मसीम भाई की खिदमत हमारी भी बहुत अहम है जिन्होंने खिदमत दी है में केडीए में और वैसे आज हम सब एक साथ करते हैं और हमेशा हम लोग अब आज से तकरीबन 45 साल पीछे अपनी लाइफ ले गए और ये समझ लेंगे अपने आपको लड़का फील कर रहे हैं और दूसरे कि मसीम भाई हमारे लिए हमेशा से हिदायत कर रहे हैं जिस मसीम भाई की गाइडलाइन हमें मिल रही हमारे सारे दोस्त उस वक्त से काफ़ी हैं जो बस मसीम भाई का हुक्म खुश होता है हमारा और केडीए में जिस तरह से मसीम भाई ने हम लोग को लेके चले और इन लाइफ के लिए जो कुछ इन्होंने किया है वो एक रक्षा बाप मिलने के तकरीबन 42 साल से केडीए के अंदर जो कुछ कर रहे हैं वो आप देखेंगे लोग वहाँ से काम करते हैं ग्रेड तो हमारे यहाँ हम सभी ने ग्रेड 11 में आए थे और आज हम लोग 17, 18, 19 ग्रेड में रिटायर हो गए ये आज की तकरीब जो है वो हमारे मतीन भाई ने हामिद भाई और तारिक भाई के लिए और हमको भी शामिल किया उन्होंने उनका बहुत शुक्रिया। मतीन भाई हमारे लिए काबिले इज्जत काबिले मोहतरम है और शुरू से केडी की तारीख में जब से हम आए हैं 1980-81 में जो बैच आया है उस वक्त से हमने यही देखा मतीन भाई को कि इन्होंने बिना बेल ऑफ हर कैडर की खिदमत की इंडियन की नहीं हर अकाउंट में भी आईटी में भी हर जगह इन्होंने जहाँ जहाँ इनको खिदमत का मौका मिला सब खिदमत की और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे ये 40 साल पुराना साथ है हमारा और सारी मोहब्बत है हमारी साथ है और और हम लोग 82 से एक दूसरे के साथ हैं और माशाल्लाह से ये साथ बहुत ही अच्छा रहा है और बुरे हालत में भी हम लोगों ने छोटा
छोड़ा और ये इन्होंने जितनी भी वो इनमें एफर्ट कर सकते थे इन्होंने एफर्ट की और हर कैडर के लोगों को फायदा पहुंचाया, जो कि हालांकि हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी सब इंजीनियर्स की, लेकिन उसके बावजूद जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा उसका साथ दिया और इन्होंने आज उसी की वजह से हम लोग 18 ग्रेड में और 17 ग्रेड में लोग रिटायर हो रहे हैं, तो इनकी बड़ी खिदमत है। जी बिस्मिल्लाह, मेरे दोस्तों ने अभी जितनी बातें बताई ये सब हकीकत पर मबनी है और हमने भी अपनी आंखों को खोल के ही देखा है 50 साल में दुनिया को, यानी 50 ईयर्स में जब से हमने वो संभाला आगे खोल के कान खोल के ही देखा है। हमने जब आदमी को सोने की तरफ रखा है तो 50 साल से आज तक हम उसके साथ हैं और इंशाल्लाह अब जिंदगी कितने साल है हमारे किसी को नहीं पता, लेकिन हम तो बहुत करीब हैं ना, तो बहुत करीब है। एक वाक्य मैं आपको सुनाता हूँ, अभी मैंने उनसे सवाल किया कि तकरीबन ये इस वाक्य को भी 30 साल या 28 साल हो गए होंगे, गोरी बाजार के अंदर मैं वसीम और एक हमारे दोस्त भाई जो भी दुनिया में तीनों साथ चल रहे थे, इनका बेटा यानी इनका बड़ा भाई इतना छोटा था 5 साल, गोरी बाजार कितनी रश की जगह होती है वहाँ पे वो मिस हो गया, तो गोरी बाजार 18-20 जगह से ओपन है शहर, मतलब रोड ऑफिस हमारे पाँव से जमीन निकल गई, बेटा तो इनका था लेकिन हमारे पाँव से जमीन निकल गई। आज ये वाक्य मैंने इससे इसलिए किया कि मुझे इस वाक्य बता दें, हो सकता है मेरी जिंदगी 2-4 साल कि उस वक्त जब बच्चे को ढूंढा और नहीं मिला तो ये इन्होंने कहा मैं तो जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, आप दोनों देखो और खुदा जाने। आज मैंने इनसे सवाल किया कि मसीन भाई बाहर छोड़ के कहते हैं इसको मदद के किसी शोबे में नहीं ले जाना, तो कौन सा वक्त था और कौन सी कामिल पन था और कौन सा ईमान था कि आप नमाज पढ़ने गए? खुदा की कसम अल्लाह से हाथ जोड़ के माफी मांगते, अगर मेरा बच्चा होता बच्चा तो इन्होंने मुझे क्या जवाब दिया? इन्होंने कहा भाई मैं तो ये समझा था कि बच्चा तो हाथ से निकल गया नमाज हाथ से निकल गया, आज ये जवाब दिया इन्होंने और मैं आज मुतमईन हुआ, वरना मैं हमेशा पूछना चाहता था इन्हें। तो जितनी तारीफें इनकी की गई के डी ए डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन की सादा पुरवकार तकरीब में अब्दुल मतीन शेख खुद, तारिक अली खान, सैयद तकबीर हुसैन, सादिक अली, हामिद हुसैन और दीगर ने फूलों के तहाए भी पेश किए। नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान। हुजूर सैयदना सैयद गुलाम नबी शाह अल मारूफ समंदर वाली सरकार समंदरी बाबा का 31वां सालाना उर्स अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर की 6-7 बरोस मंगल बुध को शायाना शान तरीके से दरबार सरापा अकदस समंदर वाली सरकार समंदरी बाबा डिस्ट्रिक्ट मलिर बिन कासिम सोन यूसी घग्गर दरबार शरीफ पे इंशाल्लाह मुनक्किद किया जाएगा। तमाम जायरीन से, मुरीदीन से, मोतकिदीन से शिरकत की इस्तदा है। साहबजादा सैयद जौहर मजीद शाह उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।